हाँ जी दोस्तों, प्यार भरी सत श्री अकाल जी। पेश करते हैं 26 अप्रैल दीयां वड्डियां खबरां। लड़कियों लई चलाई गई है नवी स्कीम, राशन कार्ड चो कट्टे गए ने राशन। हाँ जी दोस्तों, तुहानू दसांगे राशन कार्ड दे विचों राशन कट्टिया गया है, किन्ना कट्टिया गया है, इस वीडियो विच तुहानू सब कुछ दसांगे। नाले मौसम जी आया बदलाव पवेगा, मीं तो कितने मीह पैण की संभावना दसी जा रही है, इस बार भी आप गल कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नवे आए भैन भरा बेनती है कि चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो आने वाली हरेक वीडियो थोड़े तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं मेन अपडेट के उत्ते। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं कीता तलब, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घपले से हुई कार्रवाई का मंगया जवाब। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जातियों लई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के करोड़ों रुपए के घपले से पंजाब सरकार वालों हुण तक की कार्रवाई को तलब किया है। चंडीगढ़ के सतबीर सिंह वालिया ने एडवोकेट फैरी सोबत राही एक जनहित पटीशन विच हाईकोर्ट नूं दस्या है कि केंद्र सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राही अनुसूचित जातियां पिछड़ी श्रेणियां आदि नाल संबंधित होनहार विद्यार्थियों वजीफे जारी करती है। यह राशि सूबा सरकार राही जारी की जाती है, इसलिए केंद्र सरकार ने मार्च 2019 तीन किश्तों में 303.92 करोड़ रुपए जारी किए सन। खजाना खर्चा रिपोर्ट अनुसार विभाग ने 248.11 करोड़ रुपए कढ़वा लाए सन। रकम कढ़वाने तो बाद खाते 55.81 करोड़ रुपए रह गए सन, जो बाद 2015-16 के 2016-17 के विद्यार्थियों के रख रखाव भत्ते के नाते कढ़वा लाए गए सन। जो 248.11 करोड़ रुपए कढ़वाए गए सन, उन्होंने 39 करोड़ रुपए नाल संबंधित दस्तावेज काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी खजाना विभाग हासिल नहीं कर सकया है। बेअदबी की घटना को अंजाम देने वाले दोषी के घर लोगों ने की भनतोड़, स्थिति तनावपूर्ण। रूपनगर के मोरिंडा कस्बे में बीते दिन एक नौजवान ने गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल होकर पाठी सिंह नाल कुटमार की। बेअदबी की इस घटना तो बाद मोरिंडा में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इस विचकार हुण खबर सामने आ रही है कि मोरिंडा के एक गुरुद्वारे से हुई बेअदबी की घटना तो बाद गुस्से आए लोगों ने इस घटना को अंजाम देने वाले दोषी जसवीर सिंह के घर हमला कर दिया है। लोगों ने घर के शीशे तोड़ दिए और अंदर भी भनतोड़ की है। इस दौरान मुलजम ने परिवारक मैंबर घर में मौजूद सन। घटना तो तुरंत बाद घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। दस दिए कि खबर अनुसार घटना पिछों गुरुद्वारे से मौजूद लोगों ने बेअदबी करने वाले नौजवान को फड़ दिया है और उसकी बुरी तरह कुटमार की है। संगतान ने नौजवान को घड़ीस के गुरुद्वारे तो बाहर कट दिता। घटना तो बाद इलाके के लोगों ने मोरिंडा से सड़क उपर जाम लगा के रोष प्रदर्शन शुरू कर दिता। अगली खबर मौसम को लेकर है जी। मौसम विभाग अनुसार इन दिनों से मीह पैण की संभावना। पंजाब से इस बार अप्रैल का महीना अंत से ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगा क्योंकि सूबे से मौसम फिर तो बदलने वाला है। अप्रैल महीने दौरान सूबे से गर्मी की लहर नहीं होगी। इसका कारण है कि अप्रैल के अंत के मीह पैण की संभावना है। मौसम विभाग अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 27 और 28 अप्रैल को पंजाब के कुछ हिस्सों में मीह पैण की संभावना है, जिस नाल मौसम ठंडा हो जाएगा तो लोगों को इस तो राहत मिलेगी। दस दिए कि पिछले कुछ दिनों तो बाद तापमान में गिरावट कारण आम लोगों ने सुख का साह लिया है, पर हुण तापमान फिर तो वधना शुरू हो गया है। बीते दिन तापमान में पिछले दिनों के मुकाबले 2.4 डिग्री सैलसीयस का वाधा दर्ज किया गया। इस दे नाल ही समराला विच सब तो वध तापमान 38.1 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। शराब नीति मामले से CBI की चार्जशीट से आया मनीष सिसोदिया का नाम। CBI ने दिल्ली के शराब नीति मामले में मंगलवार को हाउस रेवेन्यू अदालत सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की थी। इस तो पहला किसी भी चार्जशीट के सिसोदिया का नाम नहीं सी। अदालत ने चार्जशीट के नुकत्या ते बहस लई 22 मई तक तरीक तय की है। गोली ना चलायो भगवंत मान ने अद्धी रात को फोन करके क्यों कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जब सूचना मिली कि 36 दिनों तो फरार वर्ष पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह पुलिस ने मोगा के रोड़े पिंड तो घेर लिया है, तो उन्होंने शनिवार के ऐतवार की रात पुलिस को अहम हिदायत दित्तियां सन। द इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट अनुसार मान ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को यह यकीनी बनाने लिए कहा कि गुरुद्वारे की मर्यादा को कायम रखना रखा जाए और गोलियां ना चलाईया जा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक सहयोगी ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि बरगाड़ी और बहिबल कलां वर्गी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, जिससे कई साल तक सूबे परेशान किया है। उन्होंने
हुक्म दिता कि गोलियां नहीं चलानियां अते पुलिस गुरुद्वारे के अंदर भी नहीं जाएगी। नशा छुड़ाने केंद्र की आड़ से तैयार कर रहा सी फौज, पुलिस अधिकारी ने किए खुलासे। वारिस जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह बारे नित नवे खुलासे हो रहे हैं। अमृतपाल सिंह मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ 18 के उत्ते खुलासे किए हैं। SP तेजवीर सिंह ने न्यूज़ 18 नाल गलबात करते दसिया कि नशा मुक्ति केंद्र की आड़ से वह अपनी फौज तैयार कर रहा है। SP तेजवीर सिंह ने दसिया कि अमृतपाल सिंह वालों नशा छुड़ाने की चर्चा की जाती सी, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ होर ही है। उन्होंने दसिया कि हाले तक अमृतपाल सिंह ने गिरफ्तार किए ज़्यादातर साथी किसी न किसी नशे के आदि हैं। पुलिस अधिकारी ने दसिया है कि नशा मुक्ति केंद्र में आने वाले नौजवानों बाद हथियारों की ट्रेनिंग दे के उन्होंने बॉडीगार्ड गार्ड वजों तैयार किया जाता है। पंजाब सरकार ने लड़कियों लिए कर दिता वड्डा ऐलान, जल्दी होगी शुरुआत। सूबा सरकार जल्द लड़कियों लिए इलैक्ट्रिक वाहन आधारित शटल बस सेवा शुरू कर जा रही है। यह सेवा सूबे के प्रमुख शहर पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और होर थावां ते शुरू की जाएगी। यह ऐलान अज इत्थे सरकारी कॉलेज लड़कियां विखे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विद्यार्थियों नाल सीधी गलबात दौरान किया। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने वड्डे शहरों से लड़कियों लिए वधिया जनतक आवाजाही साधन यकीनी बनाने लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीति का जीवन से हर खेत्र से प्रभाव होंदा है, जेकर लड़कियां इस खेत्र से अगे आउंदियां हन तां निश्चित तौर पर ही वह देश की तरक्की अते खुशहाली अहम भूमिका निभाउणगियां। अते भगवंत मान ने कहा कि लड़कियां समाज लिए एक असासे वांग हन अते ओह कुशल कानूनदान साबित हो सकदियां हन। उन्होंने कहा कि साडी पार्टी वालों 2022 दीआं विधानसभा चोणां दौरान 11 महिला उम्मीदवारों ने वड्डी जित दर्ज की। राशन ते रुजगार ना मिलन कारण गरीब वर्ग परेशान। देहाती मजदूर सभा वालों योग लाभपात्रियों की पड़ताल किए जाने की ओट हेठ गरीब परिवारों के नाँ आटा दाल स्कीम की सूची विचों कट देण खिलाफ़ अज इत्थे SDM दफ्तर सामने धरना दिता गया। इस दौरान सभा के आगू नरेंद्र सिंह रंटोल और अमरजीत सिंह कोटली की प्रवानगी हेठ जिला भर के पिंडां दे वड्डी गिणती मजदूर ने धरना च हिस्सा लिया। बुलारियां ने 25% कट के बहाने वड्डी पद्धर के गरीब वर्ग के लोगों नूं इस कणक की सहूलत तो वांझे रखे जाण दा दोष लगाया है। बुलारियां कहा कि हाकम धिर ने कई अमीर घरां नूं मुफ्त की कणक लैण लई परचियां जारी कीतियां गईआं हन। बुलारियां ने पिंड अंदर मनरेगा का काम ना होण देण दे करवाए काम का मेहनताना भी समय सिर ना देण दी निखेती भी की। सीएम भगवंत मान की अगवाई 27 अप्रैल में होगी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग 27 अप्रैल में सवेरे 10:30 बजे बुलाई गई है। 27 अप्रैल में सवेरे 10:30 बजे पंजाब सिविल सकत्र विखे पंजाब सरकार वालों कैबिनेट की मीटिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई यह मीटिंग की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग वड्डे फैसले से मोहर लग सकती है। जिक्रयोग है कि जलंधर उप चोण तो पहला बुलाई गई इस कैबिनेट मीटिंग नूं काफ़ी अहम मनिया जा रहा है, जिस करके हर किसी दी नज़रां इस कैबिनेट मीटिंग के उत्ते टिकिया हुई हैं। दस दिए कि जलंधर लोक सभा उप चोण तो पहला आप कैबिनेट मीटिंग से पंजाब नाल संबंधित कुछ अहम फैसलों से मोहर लगाई जा सकती है। हाँ जी दोस्तों, यह सी 26 अप्रैल दी वड्डियां खबरां। उम्मीद है वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो नूं लाइक ते चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। धन्यवाद, मिलते हैं नवी अपडेट नवी जानकारी लैके।